नाय नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम श्री गुरुभ्यो नमः। 24वें श्लोक में कल भगवान ने उत्सी देयु रिमे लोका नकुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यमि महा प्रजा, यहां तक का उपदेश किया। यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा को हनन करूं अर्थात मारने वाला बनूं। यहां तक का भगवान का कल उपदेश 24वें श्लोक तक रहा। अब भगवान आगे के दो श्लोकों में, मतलब पहले श्लोक में 25वें श्लोक में आप लोक संग्रहार्थ अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और दूसरे श्लोक में 26वें श्लोक में आप सकामी पुरुषों के लिए बुद्धि में ब्रह्म उत्पन्न करने का निषेध कर रहे हैं। ये दो श्लोक आचार्यों ने अपने यहां तो अलग अलग लिए हैं और अपन एक साथ भी इनको देखेंगे, लेकिन आज विशेष करके अपना जो 27वां श्लोक है आगे का मूल पुरुष का लक्षण, ये विशेष करके समझने का है जिससे हमको कर्म की ओर प्रेरणा मिलती है। कर्मयोग के इस तीसरे अध्याय में अब भगवान 25वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह संग्रहम। अन्वय कर रहे हैं, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। अर्थात हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा चाहता हुआ कर्म करे। और दूसरे श्लोक में जहां 26 में सकामी पुरुषों को कोई ऐसा ना बताए आत्मज्ञानी कि तुम कर्म में प्रवृत्त मत हो, मतलब ऐसा ब्रह्म पैदा न करे, इसलिए वहां आप ज्ञानियों को भी विद्वानों को भी आप वार्न कर रहे हैं, भगवान क्वेश्चन कर रहे हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन। अन्वय करते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान मतलब ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म संगिनाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि भेदम मतलब बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा को उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं युक्तः परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सर्व कर्माणि सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वो वैसा ही कर्म करावे। यहां 25वें श्लोक की टीका में आप पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं अपने को कि जैसे मूर्ख, मतलब ये श्लोक क्यों आ रहा है, श्लोक कैसे प्रकट हो रहा है, अतः भगवान के स्वरूप ज्ञान के लोक संग्रहात कर्मों में अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। भगवान के स्वरूप को अभी ध्यान में मत रखो, तुमको कर्म क्यों करना चाहिए। भगवान ने तो अपना कारण बताया कि मैं क्यों कर्म करता हूं जब उस कर्म से लिप्त नहीं होता हूं तो भी, पर तुम क्यों कर्म करो। तो आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे मूर्ख कर्म में आसक्त होकर उन कर्मों के फल की अभिलाषा वाले विषयादिकों को त्यागने में समर्थ नहीं होते हुए कर्म करते हैं, वैसे ही पंडित मेरे स्वरूप को जानकर लोक संग्रह की इच्छा करने वाले उन कर्मों में असक्त रहकर मेरी आज्ञा से कर्म करते हैं।
भाई सिंपल सी बात भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, यहाँ मूर्ख से तात्पर्य कोई बुद्धिहीन आदमी नहीं है, मूर्ख मतलब जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, खुद के स्वरूप को नहीं जानता, उसको तो आसक्ति है इसलिए वो कर्म में प्रवृत्त हुआ है। वो व्यक्ति क्या करता है कि फल के अभिलाषा वाले विषयादिकों की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होता है। लेकिन पंडित लोग क्यों होते हैं? पंडित लोग तो मेरे स्वरूप को जानकर लोक संग्रह के लिए, कि भाई प्रभु की इच्छा है और प्रभु की आज्ञा है कि बिना कर्म के किसी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो अब 26वां श्लोक हमको क्या कह रहा है कि कहीं ज्ञानी जन और कोई पंडित जन उनको विभ्रमित ना करें कि आत्मज्ञान होने के बाद या भगवत स्वरूप परिज्ञान होने के बाद कर्म करना आवश्यक नहीं है, ऐसा ना हो जाए। इसलिए आप समझा रहे हैं कि न बुद्धि वेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यदि लोक संग्रह के लिए ही कर्म करना है तो अज्ञान से करते हैं क्यों? अज्ञान से क्यों करते हैं लोग? तो समझा रहे हैं कि कर्म संगियों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करें, वैसा करने से उनको भ्रम होगा और भ्रम होने पर कर्म न करेंगे। यदि यह कहें कि कर्म से चित्त शुद्धि होने पर भ्रम न होगा, अथवा कहा है कि अज्ञ लोग चित्त शुद्धि के लिए कर्म नहीं करते किंतु कर्म को ही ईश्वर मानकर फल रूप से अन्य पंडितों को कर्म करता देखकर कर्म करते हैं, अतः कर्म से पद रखा गया है, कर्मी नहीं रखा गया, विद्वान युक्त होकर मुझे हृदय में स्थापित करके मेरी सेवादि करके अन्य अज्ञों को भी कर्म में प्रवृत्त कराएं, ऐसी भगवान की आज्ञा है। अब क्या होता है इस समय पे कि जिस समय भगवान की ऐसी वाणी को हम सुनेंगे, ऐसा उपदेश हम लेंगे भगवान से, तो सहज ही में एक गुणधर्म आएगा कि करने वाले को लगेगा कि जितना भी कर्म हो रहा है ना वो मैं कर रहा हूं और मेरी इच्छा से ही कर रहा हूं, इसमें ना तो कोई भगवत आज्ञा या भगवत प्रेरणा है और ना इसमें कोई प्रारब्ध का कोई रोल है, ये तो मेरे को सूझा इसलिए मैंने इस कर्म को किया। तो भगवान अब उसका निषेध कर रहे हैं। ये 27वां श्लोक जो है ये इसमें भगवान ने मूढ़ पुरुष का लक्षण बताया है। अब मूढ़ पुरुष का लक्षण भगवान ने यहां क्यों बताया है तो वो समझो। यदि विद्वान भी वैसा करें तो अविद्वान से भेद क्या और विद्वान के ज्ञान का उपयोग कहां होगा, क्योंकि विद्वान को तो सेवादि का अवसर ही नहीं मिलेगा, अतः भेद बतलाते हैं। और भेद बतलाने में ये 27वां श्लोक प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, प्रकृतेहि क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारहम् इति मन्यते। पहले श्लोक का अन्वय देखो, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसका अर्थ देखो आपके पास बहुत सुंदर दिया हुआ है, फिर इसके ऊपर अपन व्याख्यान देखेंगे। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। मनुष्य में जितने भी कर्म में प्रवृत्त हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा, उसकी प्रकृति से गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति से गुण और गुणों से कर्म, सात्विक राजस तामस आदि, बराबर। परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ये कौन करवा रहा है उससे? जिसका अंतकरण, देखो अंतकरण में एक वस्तु अहंकार खुद भी है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, लेकिन अहंकार से मोहित होके जिस मनुष्य की मन बुद्धि और चित्त ऐसा समझने लग जाते हैं कि ये सब मैं ही कर रहा हूं, उसको भगवान यहां मूढ़ जन कह रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। अब जो आपका होमवर्क स्टार्ट होता है, मतलब थोड़ा इस चीज को समझने के लिए, वो ये चीज शुरू होती है कि सबसे पहली वस्तु है कर्म करने वाला शरीर और कराने वाला आत्मा, दो अलग अलग वस्तु यहां से बता रहे हैं।
अब हमारे शरीर में दो विभाग भगवान कर रहे हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ विभाग जो है वो क्या है, शरीर, और चेतन विभाग क्या है, अंतकरण, आत्मा जो समझो वो, बराबर। ये अलग अलग विभाग है। क्रिया मात्र जो है वो जड़ प्रकृति में होती, क्रिया कहाँ होती है, जड़ प्रकृति में होती। प्रकृति में पांचों तत्व भी जड़ है। अपन को बहता पानी दिखे मतलब वो कोई चेतन नहीं हो जाता, प्रज्वलित अग्नि दिखे मतलब वो अग्नि कोई जल रही है, मतलब ऑन द वर्क है, इसलिए वो लाइव है, ऐसा नहीं, वो जड़ी है। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तु होंगी ना वो सबसे पहले जड़ात्मक होंगी, समझो। अच्छा, क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में होती है। अब वो क्रिया तो चालू रहेगी, प्रकृति में क्रिया बंद नहीं होगी। और आश्चर्य की बात देखो, चेतन में कोई भी क्रिया नहीं होगी। चेतन को क्रिया करनी है तो जड़ वस्तु साथ में चाहिए। आत्मा क्या कर सकती है, आत्मा शरीर बिना कुछ नहीं कर सकती है। तो चेतन में भी कोई क्रिया होती ही नहीं है। उसको समझाने के लिए भगवान कहां बता रहे हैं, 13वें अध्याय का 31वां श्लोक आप देखो, 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, भगवान आज्ञा कर रहे हैं, अनादित्वान निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। कौन, आत्मा। किसके बारे में कहा, आत्मा। लेकिन उसके आगे क्या कह रहे हैं, यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। मैंने कहा ना, आत्मा जो है वो कुछ भी करेगी नहीं, आत्मा तो शरीर से ही करेगी। तो इधर समझने वाली बात क्या है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये चीज आपको समझाएगी कि प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति ही हमसे कर्म करा रही है, क्योंकि प्रकृति क्रिया प्रधान है। और चेतन तत्व आत्मा जो है वो शरीर से लिप्त नहीं होता, शरीर में रहता जरूर है, इसीलिए उसको पहले बताया, उसका स्वरूप ऊपर आत्मा का स्वरूप बताया। क्या बताया, अनादित्वम, अनादित्वान निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः। आत्मा परमात्मा स्वरूप है, अव्यय है मतलब घटती या बढ़ती नहीं है, अनादि है और निर्गुण है। इस कारण से शरीरस्थोपि, वो शरीर में स्थित होते हुए भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो इसका किसी से भी वो नहीं होता, मिक्सर नहीं होता उसका। क्रिया का आरंभ और समाप्ति तथा पदार्थ आदि का और अंत होता है, परंतु चेतन का न आरंभ तथा समाप्ति होती है, न आरंभ होता है तथा समाप्ति होती है, न अनादि तथा अंत होता है। भगवान ने गीता में कर्म के होने में 5 कारण बताए हैं। गीता जी में प्रभु ने 5 कारण ऐसे बताए कि हमसे कर्म क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण खुद प्रकृति है, प्रकृति के कारण हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। प्रकृते है क्रियमाणानि। देखो कहां मिलेगा आपको, खुद 27वें श्लोक में ये बात चल रही है, जिस श्लोक पे अपन है ना। प्रभु ने पहला कारण क्या बताया है, खुद प्रकृति के कारण ही तुम क्रियमाण हो। देखा ना, तीसरे का 27। अच्छा, अब प्रकृत्यैव च कर्माणि, भगवान एक जगह पे कह रहे हैं 13 में 29, 13वें अध्याय में, तेरा के 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता हुआ अनुभव करता है, वही यथार्थ में देख रहा है। तो सबसे पहले हमसे कर्म कौन करा रहा है? प्रकृति करा रही है, बराबर है। दो श्लोक अपन ने देखे, कहां कहां के देखे? पहले तो खुद 3:27 और दूसरा 13:29, बराबर। ये दो जगहों पे प्रभु ने बताया है कि कैसे प्रकृति मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त कराती है, आत्मा को शरीर के द्वारा ही कराती है। ये ऊपर समझा क्या है? 13:31 में क्या समझा क्या है? 13:31 में हम समझा क्या है कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हम कभी किसी से भी लिप्त नहीं होते इस शरीर में रहते हुए भी। अब दूसरा कारण भगवान क्या बता रहे हैं, देखो 27वें श्लोक में ही देखेंगे। गुणै ही कर्माणि सर्वशः। गुण भी भगवान कह रहे हैं कि अपन लोगों को कर्म कराते हैं। अब गुण क्या चीज है वो समझो। इसके लिए सबसे पहले 28वें श्लोक में ही देखो नीचे दिया हुआ है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुणागुणेषु वर्तन्त, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही में गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। ये गुण में से गुण को अपन कैसे बरत रहे हैं, इसको अपन उसको अपन सेकंड चीज में बताते हैं। वो कैसे बता रहे हैं अभी देखो, उसको समझो। सबसे पहले आप देखेंगे 14:19, कहां थे? 14:19 पे थे। 14:19 क्या कह रहा है? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। क्योंकि हम 28वें श्लोक को देखने ही वाले हैं इसलिए हम वहां गुणागुणेषु वर्तन्त को नहीं देखा। अभी अपन ये दूसरे एक उदाहरण को प्रभु के देख रहे हैं कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। यही चल रहा है ना अपना, बराबर। तो इसका अर्थ क्या करेंगे कि जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है तब वो मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो उसको कौन करवा रहे हैं कर्म? गुण करवा रहे हैं ना? नहीं समझे अभी कोई भी, है ना? कोई बात नहीं, मत समझो, वापिस पढ़ो। देखो मूल श्लोक, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि आप जब हम कह रहे हैं गुण, तो गुण शब्द का सीधा अर्थ होता है सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण। तो वो जो गुण हैं वो गुण की मात्राएं तुमसे कार्य करवा रही हैं। तुम्हारे में सत्व गुण उदय हो रहा है तो सात्विक भाव से ज्ञान उदय हो रहा है, रजोगुण आ रहा है तो काम क्रोध आदि तुम्हारे में उत्पन्न हो रहे हैं, तमोगुण आ रहा है तो मनुष्य कर्म को नहीं कर रहा है, जड़ हो जा रहा है। तो ये सब चीजें जो भगवान समझाना चाह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि इसमें तुम क्या चीज का पश्चन करो कि ये मुझसे गुण करवा रहे हैं। लेकिन मदभावम सोधिगच्छति कौन है? जो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जो इन गुण के ऊपर देख लेता है कि ये गुण तो प्रकृति के हैं, तो मैं प्राकृत नहीं हूं, आत्म रूप से मैं भी अप्राकृत तत्व हूं, भगवद अंश हूं, भगवत चिन्ह मात्र हूं, चिदानंद हूं इत्यादि। तो उस अर्थ में यहां पे कह रहे हैं। तीसरी चीज क्या चीज समझा रहे हैं भगवान? कर्म में अपन ने दो प्रवृत्ति देखी ना अभी तक, एक प्रकृति दूसरे गुण। तीसरी चीज आएगी सहज में इंद्रियां। मनुष्य को कर्म कौन करवा रहा है? इंद्रियां करवा रहा है।
इंद्रियों का दृष्टांत में हम देखेंगे पांचवे अध्याय का नौवां श्लोक देखेंगे, पांचवे अध्याय के नौवें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं प्रलपन विसृजन गृणन उमिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये श्लोक को समझने के लिए आठ और नौ को दोनों को साथ में देखना पड़ता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुमिशन् निमिशन् अपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यहाँ इंद्रियों का बल भगवान बता रहे हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा जानता है। तो मनुष्य को कर्म करने में अनासक्त भाव कब आएगा, कब वो कर्तारम इति मन्यते में विमूढ़ात्मा नहीं होगा, जब वो खुद ये जाने के मुझसे बलात् हठात इंद्रियां ये सब कर्म करा रही हैं, मैं कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा हूं। तो तीसरा जो बताया है वो क्या बताया है कि इंद्रियां मनुष्य से कर्म करा रही हैं। चौथी वस्तु क्या है हमसे कर्म कराती है, वो है स्वभाव। पहली प्रकृति, दूसरे गुण, तीसरी इंद्रियां, चौथा है स्वभाव। और स्वभाव के लिए, स्वभाव का मतलब होता है क्रिया का वेग। ये कर्म करना है उसका जो वेग अपने ऊपर आता है उसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव का दृष्टांत मिलेगा आपको 3:33 में ही, इसी अध्याय के 33वें श्लोक में मिलेगा। सदृशं चेष्टते स्वस्याः पहले आप देखो 5:14 पहले देख लो। पांच का 14 देखोगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। कोई पापी आदमी ऐसा कहे कि ये सब मुझसे तो परमात्मा करवा रहे हैं, समझो कि ये कौन करवा रहा है, तो परमात्मा की इच्छा से मैं ये पाप कर रहा हूं, तो उसका भगवान जवाब दे रहे हैं कि इसमें हम कुछ भी नहीं करते, ये उससे उसका स्वभाव करवा रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु ने कभी किसी का कर्तृत्व कर्म ये सब चीजों का लोक में सृजन नहीं किया। न कर्म फल संयोग, और न कर्म फल का जो संयोग है उसके साथ, क्या अब उसने ऐसे कर्म किए थे इसलिए उसको ऐसा फल मिलेगा, ये भी प्रभु नहीं दंड दे रहे हैं। कौन उसको दंड दे रहा है, खुद स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वो स्वभाव के कारण उसमें प्रवर्तित हो रहा है। और अब आप देखिए 3:33 में बता रहे हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा।
ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति मतलब अपने स्वभाव, यहाँ प्रकृति का मतलब स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, मतलब कोई मुझसे करवा रहा है, ये तो झूठी बात है ना। अब लोग क्या होता है, संग दोष में लोग पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं उसने दारू पी तो मैंने भी पी ली, मैं ऐसी संगति में पड़ गया था, उसने स्मोकिंग की तो मैंने भी स्मोकिंग कर ली, तो वो क्या उसने उसको किसी ने करवाया क्या, नहीं, स्वभाव दोष आया उसमें। अब उसको लगा कि नहीं मुझे भी कर ही लेना चाहिए, तब उसने वो कर्म किया, तो वो जो कर्म है वो कोई तुमसे करवा नहीं रहा है, तुम खुद अपने स्वभाव से पीड़ित होके वो काम कर रहे हो। ये चार हेतु तो प्रधान हो गए, बराबर कर्म में कितनी हेतु हुए, प्रकृति, गुण, इंद्रिय और स्वभाव। अब ये चार के अलावा पांच अलग अलग ऐसे हेतु और हैं जो हमसे ये कर्म करवाते हैं। कर्मयोग को समझने के लिए ना बहुत शांति की जरूरत है। लोग सांख्य में जितना टाइम निकालते हैं उससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि सांख्य में जिन बातों की चर्चा है ना, उस स्थित प्रज्ञता तक पहुंचने में शायद अपने को अगला जन्म लेना पड़े उसको समझने के लिए। पर कर्म करने के लिए अपने को अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जन्म में भी हम कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते, है कि नहीं। ऐसा प्रभु ने कहां कहा था, प्रभु ने देखो कितना अच्छा देखो कहा था, पांचवें श्लोक में कहा था, पांचवें श्लोक में भगवान तीसरे अध्याय के, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अपन अभी जिस श्लोक को समझ रहे हैं, देखो उसको समझने में ये भी एक अच्छा श्लोक है कि हमसे जो भी कर्म करवाए जा रहे हैं वो प्रकृति, गुण, स्वभाव और इंद्रियां हमसे करा रही हैं, और हम क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। आई ना बात समझ में। लेकिन अब पांचवा हेतु जो है वो अपने आप में पांच हेतु युक्त है। कर्मों के होने में अपन जिन पांच तत्वों की चर्चा कर रहे हैं कि कर्म क्यों करता है मनुष्य, उसमें हमने चार कर्म देखे, प्रकृति ने करवाए कर्म, गुणों ने सत्व रजतम आदि ने करवाए। अब जब देखो प्रकृति और गुण को अलग करोगे ना, तो प्रकृति का मतलब होता है अविद्या रूपी प्रकृति, अपने ऊपर जो काम कर रही है, जो अपने को आत्मबोध या ब्रह्म बोध नहीं होने देती, माया अविद्या आदि, वो भी प्रकृति है। दूसरी प्रकृति कौन सी है कि जिसके कारण हम कर्म करते हैं, ये प्रकृत शरीर, खुद शरीरों में इंद्रिया आएंगे, शरीर में ही स्वभाव आएगा, इसीलिए वहां पे उसका जो विभाग किया था ना प्रकृति का, वो दो प्रकार से किया गया था, जड़ और चेतन, आपको याद है ना? आगे सातवें अध्याय में ये सब आएगा। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धिमे पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारयते जगत एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय। ये सब वाक्य जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति भी मूला प्रकृति, जड़ा प्रकृति। प्रकृति भी कैसी बनेगी, मूला और जड़। मूल प्रकृति जो होगी ना वो भगवत इच्छा से कार्य करेगी, और जड़ प्रकृति होगी ना वो अपने अपने स्वभाव से कार्य करेगी, बराबर। अब देखो पांचवा हेतु देखो कि प्रकृति, गुण, इंद्रिय और स्वभाव के बाद सीधे पांचवा हेतु है, और इसके लिए जाना पड़ेगा आपको 18:14 में, 18:14 श्लोक में जाना पड़ेगा।
ये हमको समझाएगा कि हम कर्म किन पांच अलग हेतुओं से भी कर रहे हैं, और ये सब चीजें भगवान ने एक साथ गिना दी। आप देखो इस श्लोक में, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। मिला ना श्लोक, पांचों चीज आई कि नहीं आई? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा कारण दैव मतलब संस्कार है। यहां आत्मा को अकर्ता बताने के लिए पांच कारणों का वर्णन किया गया है। ये श्लोक में सबसे पहले आत्मा को अकर्ता और शरीर को कर्ता ये बताने का भगवान का लक्ष्य है। इन पांचों में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का अंत संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धि में वे पांच कारण हैं इस प्रकार। अब आप एक एक चीज को देखो इस श्लोक में। सबसे पहली वस्तु क्या बताई गई है? अधिष्ठान। अधिष्ठान का सीधा मतलब होता है शरीर। सब चीजों का अधिष्ठान प्रभु ने कहा किया है आपके लिए, आपके शरीर। कल मैंने कहा ना, जितनी चीज ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। पिंड और ब्रह्मांड में सब एक से तत्व भरे पड़े हैं। दूसरी वस्तु है अधिष्ठान के बाद कर्ता, शरीर के बाद कर्ता। अगर शरीर कर्ता नहीं है तो ये कर्ता अलग कौन है? समझो, कर्ता का मतलब होता है अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य। अपरा प्रकृति क्या होती है? अपरा प्रकृति के लिए समझ, सातवां अध्याय खोल लो, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगी ये बात। मैंने कहा वहां मेरे को जाना नहीं था उस जगह पे, लेकिन जाना पड़ेगा। सात के पांच में, सात के चार से भी आप शुरू कर सकते हो, आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धारियते जगत। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार यह आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। अपरा, अपरा प्रकृति में ये आठ चीजें आती हैं। ये आठों चीज आपके अंदर है। आप देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है और मन बुद्धि और अहंकार है। इनके साथ जो आत्मा का संघात हुआ है ना, मतलब आत्मा जो इनके साथ आई है ना, इसके कारण उसमें कर्तापन आ रहा है। अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाले अविवेकी मनुष्य जो हैं, वो लोग अपने को यही मान के बैठ गए। इसी को अंतकरणाध्यास और इंद्रियाध्यास कहा जाता है। समझे ना कि ये प्राण में हूं, इंद्रिय में हूं या अंतकरण में हूं, ऐसा जो मैं को अलग नहीं मान के यही मैं मानता है वही अध्यासी है। वो देहाध्यास से शुरू हो जाता है। बराबर। अब देखो इसके आगे के श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अपरेयमितस्तुन्यां प्रकृतिम विद्धि मे पराम। जड़ चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव। अपरा कौन है? जगत। और परा तत्व कौन है? जीव।